सर, बलरामपुर अस्पताल में ट्रायल पर डेंटल यूनिट की शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें किस तरह की सुविधाएं मरीजों को दी जा रही हैं, कौन से टेक्निकल एस्पेक्ट्स में शामिल किए गए हैं? देखिए, हमारे चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी डेंटल यूनिट शुरू होने जा रहा है, इसको ट्रायल पर शुरू कर भी दिया गया है। इसमें 7 MDS डॉक्टर्स आए हैं, हर विधा का अपना अपना एक स्पेशलिस्ट है जो उस काम को देख रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि लोगों के दांत खराब हो जाते हैं तो उनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, उसके ऊपर उसमें कैप लगाया जाता है, ये सुविधा पहले यहाँ नहीं थी, ये शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर एक दो दांत बीच में गायब हैं तो अगल बगल के दांतों से सपोर्ट लेके दांत लगाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिज बनाना, वो पहले सुविधा यहाँ नहीं थी, वो अब बनाई जाएगी। इसी तरह से अगर किसी का जबड़ा टूट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो वो ऑपरेशन करके उसको तार वार लगा के या प्लेट लगा के फिक्स करना, ये काम भी हमारे यहाँ अब शुरू हो जाएगा। इसमें ओरल सर्जरी के डॉक्टर्स आ गए हैं, वो करेंगे इस काम को। और किन्हीं गिनी के कुछ छोटे मोटे ट्यूमर्स आ जाते हैं दांत के आसपास, उसको भी ओरल सर्जरी वाले ऑपरेट करके निकाल देंगे। क्या प्रोस्थेटिक सर्जरी जैसा भी कुछ शुरू किया जाना है? हाँ, मैंने बताया ना आपको कि अगर कैप लगना है या ब्रिज लगना है या इवन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग जल्दी ही डेंटल इम्प्लांट्स भी लगा पाएंगे, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ लोगों को गम्स में बहुत परेशानी होती है, गम्स की सर्जरी करनी पड़ती है, उसके भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आ गए हैं, वो उसको कर रहे हैं। बच्चों के बहुत दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसमें तार बांध के उनको सीधा करना, ये भी कार्य यहाँ पर अब शुरू हो गया है, उसके सारे इक्विपमेंट हमने मंगा लिए हैं। तो इस तरह से दांत के क्षेत्र में जितने भी काम हो सकते हैं वो सारे कार्य हमारे यहाँ हो रहे हैं, और इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, सब अपना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, कब तक इसके फुल फ्लैश शुरू होने की संभावना है? अब इसमें हम लोग देख रहे हैं किस चीज़ की कमी है, कई बार कुछ इक्विपमेंट होता है वो मंगाना पड़ता है, तो वो अभी ट्रायल पर चल रहा है, बच्चे काम कर रहे हैं, नए लड़के जो आए हैं जो मुझसे कहते हैं वो सामान हम नया मंगवा लेते हैं, तो इस तरह से मेरे ख्याल से 10-12 दिन में पूरा हो जाएगा।